हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको अपने पिलखन के बोनसाई का कलेक्शन शो करती हूँ, जो कि मैंने कुछ रोड साइड से और कुछ पिलखन कटिंग के माध्यम से प्रिपेयर किए हैं। देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये। और इससे पहले मैंने आपको अपने बरगद के बोनसाई का कलेक्शन शो किया था, है ना, अडेनियम और बरगद वगैरह के। पिलखन का बोनसाई का ख़ास बात है कि ये बहुत ईजी टू ग्रो होता है ना। इसको आप भी अपने किसी भी गमले में कटिंग को अगर आप लगा दें तो ईज़िली ग्रो कर जाएगा, ज़्यादा इसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। बरगद की तरह ही इसका भी जो ट्रंक है वो देखिए, काफ़ी सालों बाद काफ़ी मोटा और ख़ूबसूरत हो जाता है। और कोई भी शेप देने के लिए यू कैन यूज़ वायर फॉर इट। इस प्लांट पे देखिए, मैंने वायर को यूज़ करके लपेट के इसको शेप दिया था, तो आप भी इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। पानी का रिक्वायरमेंट अच्छा खासा होता है, जैसे बरगद के लिए होता है, इसको पानी की ज़रूरत होती है। और सनलाइट डायरेक्ट चाहिए इस प्लांट को, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और आफ्टर सम ईयर्स आप देखेंगे कि इसका जो ट्रंक है वो बड़ा ही खूबसूरत और एक प्रॉपर शेप देखिए। मेरे जो ये मेरे फेवरेट पिलखन बोनसाई हैं, इनके ट्रंक मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, आप देखें इनके नीचे से। और जब भी लीव ज़्यादा हो जाएं तो समय समय पर इनकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए, है ना। पत्तियों को हम नीचे बेस पे से काट देते हैं, इसकी जो ब्रांचेज हैं उस पे से, तो उसका जो प्रॉपर शेप है वो निखर कर आ जाता है। इसकी खूबसूरती जो बोनसाई की होती है, आप प्रूनिंग करते रहें लीव्स की, तो फर्दर जो लीव्स आएंगी दी विल बी स्मॉल, छोटी होंगी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। देखिए, इसका ट्रंक बहुत ही प्यारा लगता है। और अभी आगे भी आप देखिएगा, इसके बगल में जो बोनसाई रखा है उसका शेप बहुत ही सुंदर है। प्रूनिंग में मुझे आज अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, सारे की प्रूनिंग तो मैं नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, दो चार की प्रूनिंग मैं करती हूँ। और अभी दिखाती हूँ नेक्स्ट आपको इसका, ये जो पॉट है बोनसाई का पिलखन का, उसका शेप में आपको ये देखिए, इसका नीचे से बहुत ही स्वेलन और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। देखिए आप इसका जो शेप है, तो प्रूनिंग के द्वारा भी हम बहुत एक गुड लुक दे सकते हैं प्लांट को। जो लीव्स आएंगी वो आगे डेंस होकर आएंगी और बहुत खूबसूरत लगेगा पौधा आपका। इसका ट्रंक देखें नीचे से आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। प्रूनिंग में आज काफ़ी समय लग रहा है मेरे को। ये देखिए, सारे कुछ खे में कुछ जो बोनसाई हैं उन्हीं की प्रूनिंग कर रही हूँ, काफ़ी समय से नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिला। एक चीज़ और नोटिस किया होगा आपने इन बोनसाई में, कि इनके ट्रंक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप पहले हमें जो यूज़ करना है पॉट, है ना, मोटे ट्रंक के लिए, ताकि हमें मोटे से मोटा इसका तना हमें मिल सके प्लांट का, तो हमें यूज़ करना है बड़े पॉट को हम यूज़ करते हैं, और फिर उसको फर्दर छोटे पॉट में हम ट्रांसप्लांट प्लांट को हम कर देते हैं। इससे जो ट्रंक है वो खूबसूरत शेप में आ जाता है। इस तरीके से देखिए, बोनसाई को बनाना एक मिनिएचर आर्ट है, मिनिएचर है ना, तो काफ़ी समय लगता है इनको, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये पिलखन का मेरा दूसरा एक और ये बोनसाई है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। इसका स्टेम देखें कितना ठीक है, ये कितना मोटा है और काफ़ी पुराना है ये, मुझे याद नहीं है, मे बी 7 or 8 years। तो उनको बड़ा सहेज के रखना पड़ता है और काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं ये, है ना। इस तरीके से आज इस पूरी वीडियो में हमने पिलखन के बोनसाई के बारे में बात की, और आप भी इसे अपने घर में कटिंग के द्वारा आप प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अगली वीडियो में मैं आपको सेफ्लेरा बोनसाई
के बारे में बताती हूँ। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है मेरे पास सेफ्लेरा का, वो दिखाती हूँ, है ना। बहुत ही वो भी इजी टू ग्रो प्लांट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेफ्लेरा के बारे में बात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।